आधार शिविर कटरा में श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र में जम्मू कश्मीर राज्य के जलपूर्ति विभाग के मंत्री श्यामलाल चौधरी ने जिला रियासी सहित उधमपुर में जारी जल परियोजनाओं को लेकर बैठक की। बैठक में शामिल हुए रियासी, गुल अरनास व उधमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने अपने क्षेत्र में पानी से संबंधित आ रही समस्याओं को लेकर मंत्री को अवगत कराया, तो वही मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं को हल करे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आधार शिविर कटरा में धनसर परियोजना की क्षमता इसी वर्ष दोगुनी की जाएगी। वर्तमान में जहां इस परियोजना से 8 लाख गैलन पानी प्रतिदिन आ रहा है, जिसे इस वर्ष के अंत तक बढ़ाकर 16 लाख गैलन प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही नगर के मुख्य बाजार में विभाग द्वारा नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे आधार शिविर कटरा में पानी की कमी दूर होगी तथा श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। वही बैठक में बाढ़ को रोकने के लिए बाणगंगा सहित अन्य नदी नालों में लगाई गई प्रोटेक्शन बाल आदि की जानकारी प्राप्त की गई, ताकि बरसात में कोई नुकसान न हो। मंत्री श्यामलाल जी ने यहाँ कटरा टाउन में हमारी रिव्यू मीटिंग पीएचई डिपार्टमेंट की रखी हुई थी, जिसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के मेन तौर पर सारे इश्यूज जो पानी पीएचई को लेकर, इरिगेशन को लेकर, इसमें उसका रिव्यू लिया गया। और जिसमें हमारा कटरा टाउन का भी जो धनसर की स्कीम है, जो काफ़ी देर से चल रही है, जल्दी से जल्दी ये स्कीम कम्प्लीट की जाए, इसके लिए भी काफ़ी स्टेप्स लगाए। इसमें पता लगा कि इस स्कीम को कम्प्लीट करने में अभी 9 करोड़ रुपया चाहिए था। अभी सरकार में हाल ही में 4 करोड़ रुपया इसके लिए रिलीज किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर 2016-17 को, और इस साल भी जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, बाकी बैलेंस जो 5 करोड़ है वो रिलीज होगा, और जल्दी से जल्दी ये जो स्कीम है कम्प्लीट की जाएगी। और इसके लिए निर्देश भी दिए कि टाइम बाउंड मैनर पे ये स्कीम जो है कंप्लीट की जाए। इसके अलावा एक बागता चांडुए की स्कीम है जो हमारी लगभग अब कंप्लीट है, उसमें मोटर्स भी लग रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो सारी हो गई है, रेजर बाइल भी बन के तैयार है, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर की कमी है। उसके लिए भी निर्देश दिए कि जल्दी से ये ट्रांसफार्मर लगा के और इस स्कीम को जो है वो कमीशन किया जाए। और इसके अलावा कई स्कीम्स थी जो हमारी एक रोल किया की स्कीम थी पार्क में, उसके लिए भी रिव्यू किया गया कि उसको भी जल्दी से कम्प्लीट किया जाए। एक सलाल की स्कीम थी, वो भी लगभग तैयार है और वो भी कमीशन हम जल्दी कर लेंगे। और भी ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ टैंक्स को लेकर थी, हमारे यूनिवर्सिटी वाले एरिया में पैंथल का टैंक है, एक तीर्थी का टैंक है, एक सीरा कॉलोनी का है, एक हमारा मकाल का टैंक है, इन सभी टैंक्स को सफाई की जाए, वो ज़रूरत थी, जैसे कि लोगों की डिमांड आती थी। 2-3 सोर्स हैं हमारे, एक बागता में है, एक सूल में है, उन सोर्स को कवर किया जाए, वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाए, सारी चीज़ें हुई डिटेल में, ताकि लोगों को कोई पानी की प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, लोग सप्लाई मिले। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरा ध्यान रखकर आज ये मीटिंग हुई, बड़े हेल्दी मूड में हुई, अच्छे नंबर जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों, चाहे वो एवली या एक्स हैं, उनको दिए गए, ताकि लोगों को पानी की प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो ये संदेश है, सबका साथ सबका विकास, इसी बात को देखते हुए जो है ये कार्य किया गया है, और आज की मीटिंग इसी को लेकर। शुक्रिया। रियासी डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मेरे डिपार्टमेंट है, पीएचई, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, उसकी मीटिंग रखी थी, जिसमें हमारे MOS नंदा जी और हमारे MLA पवन गुप्ता जी और आजाज खान साहब मीटिंग में बैठे, और मेरे डिपार्टमेंट के दोनों चीफ मिनिस्टर और SC एक्शन साहब इस मीटिंग में। आज से मैं पूरे प्रोविंस में, जम्मू प्रोविंस की, चाहे गोवा सांबा की, इसी तरह नरजोरी पुंछ की, इसी तरह रामबन, डोडा, किश्तवाड़, सारे डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू मीटिंग रखी है, ताकि ग्राउंड में क्या हो रहा है, लोगों को साफ पानी पीने के लिए मिल रहा है कि नहीं। जितनी भी बातें आज भी सामने आई, जाए गुप्ता साहब ने अपने एरिए की बात रखी, नंदा साहब ने, हमारी ये प्रायोरिटी है कि जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाए, ताकि साफ पानी लोगों के घर तक पहुंचे।
और उसके साथ साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हर खेत को पानी, हर किसान को उसके खेत तक पानी पहुंचे ताकि अच्छी फसल हो सके। जितने भी हमारे फ्लड रिलेटेड जो जो भी मसले हैं वो भी शॉर्ट आउट हो गए, उसके लिए जो मीटर रखी है और हमारी जो कोशिश रहेगी और मैंने अपने डिपार्टमेंट को यही डायरेक्शन दी है कि जितने भी इश्यूज आज सामने आए हैं इसको शॉर्ट आउट किया जाए ताकि लोगों को साफ पानी पीने के लिए मिले।